नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम कुछ और भी अच्छे अच्छे सवालों को सीखेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ऐसे सवालों को हम लिए हैं और उन्हीं को हम लोग सीखेंगे। और आप जितने भी मेथड आपको मैं बताया हूँ पहले वीडियो में, चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहला पार्ट है उसमें जो मैं नियम बताया हूँ उसे आप जाकर सीख लीजिएगा, क्योंकि उसी का प्रयोग मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप वहाँ सीखे रहेंगे तो यहाँ आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है और लिखा है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1.44 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। बात समझ में आ गया। तो देखो क्या है कि कोई भी राशि है, वह कोई राशि है और वह 2 वर्ष में क्या हो रही है, 1.44 गुनी। बात समझ में आ रहा है। मीन्स कहने का कि 1.44 का अर्थ हुआ 144/100, यही ना। दशमलव के बदले 1 लिखते हो आप, जितने अंक उतने 0 बोलो। दशमलव को भिन्न में बदलना आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखो कि मूलधन आपको 100 रुपया नज़र आ रहा है और मिश्र धन आपको 144 रुपया रहा है, और मामला कब का है, 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष के लिए हमने बताया कि वर्गमूल निकाल लेना। तो ये आपका 10 और ये आपका आ गया 12। तो आप देखो मूलधन 10 रुपया है तो 1 साल में 12 रुपया हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप ब्याज कितना पा रहे हो, 2 रुपया। तो यही 2 रुपया 10 का कितना परसेंट है आपको निकालना है। तो ये 2 जो रुपया है वह 10 का कितना है, तो 10 का मतलब परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कर दो तो आप देखोगे कि आपको मिल जाएगा ये 20% है। आने की जो आपका दर है वो कितना है, 20% है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं एग्जाम में आ चुका है। लिखा है कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करो। अब यहाँ पर देख लो कि तीन वर्ष में कितना हो रही है, 2400 हो जा रही है, और वहीं 4 वर्ष में कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे 2520 हो जा रही है। बात समझ में आती है, क्लियर है। तो अब देखो 2520 ही है, 2520 है। तो अब देखो यहाँ साल का अंतर कितना है, 1। तो जब साल का अंतर 1 होगा तो सीधे सीधे अब इससे कितना बेसी है वही निकाल के परसेंट हम बता देंगे कि रेट क्या होगा इंटरेस्ट का। तो देखो, या तो आप चाहो तो काट के छोटा कर लो, ठीक है ना, ताकि आपको भागो करने में आसानी रहे, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि डायरेक्ट भी लगा सकते हो, नहीं तो आप काट के छोटा भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो अंतर आपको कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे भैया 240 से 252 हुआ है, मतलब 12 रुपया बढ़ा है, यही ना, 12 रुपया बढ़ गया है। कितना में बढ़ा है, तो 240 में। तो ये 12 रुपया 240 का कितना परसेंट है, तो परसेंट में बदलना है तो बस 100 का गुणा कर दो। बात समझ में आया, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो बस क्योंकि भाई 1 साल के लिए, यानी कि जो 1 साल के लास्ट में आपको अमाउंट मिलता है, मिश्र धन मिलता है, उसी पे तो ब्याज आपको अगले साल मिलेगा ना। बात समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए 1 साल के लास्ट में कोई रकम 100 रुपया हो गई, तो अगली साल 100 रुपये पे ही ब्याज पाओगे। बात समझ में आ गया। तो वही 1 साल का बात है, तो 3 साल का जो मिश्र धन होगा उसी पे तो ब्याज मिला होगा, तो 3 साल का मिश्र धन यही है, तो इसी पर आप ब्याज पाए होंगे। तो रेशियो में निकाल सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट घटाकर भी निकाल सकते थे या काट के छोटा कर लीजिए। अनुपात जो होता है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है, अनुपात हमेशा सेम रहता है चाहे संख्या बड़ी हो या छोटी हो, परसेंट भी क्या होगा, सेम होगा चाहे संख्या छोटी हो या बड़ी हो। तो हम बड़ी जान के इसको काट के छोटा कर लिए फिर घटाए हैं, आप चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो, 2 से काट के और भी छोटा कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है, लेकिन हमने कहा चलो यही हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो 12 रुपये का लाभ मिल रहा है, मतलब ब्याज मिला है कितना,
240 पे, तो अब ये कै परसेंट है तो काट दो भाई, जीरो जीरो हटा दो, 12 दूनी 24 कर दो और 2 पंजे 10 कर दो, मीन्स आपका रेट आ गया 5%। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात क्लियर है ना। तो देखे दोस्तों, अब एक सवाल है, कह रहा है कि एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई, पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्र धन क्रम से 1200 और 1587 है, अंततः ब्याज की दर क्या ज्ञात करो। तो देखो अब इसमें क्या है कि आपको कह रहे पहले और तीसरे की बात है, मतलब कोई मूलधन रहा होगा और उस पर 3 साल ब्याज मिला है, ये बात समझ पा रहे हैं। पहले और तीसरे का मतलब हो गया कि वो मूल राशि जो भी होगी उस पर 3 साल ब्याज लगा होगा, तो जो पहले साल का मिश्र धन है और जो तीसरे साल का मिश्र धन है, देख लीजिए वो कह रहा है कि पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्र धन, बात समझ में आ रहा है, ब्याज सहित मिश्र धन, और मिश्र धन तो ब्याज सहित होता ही है, बात क्लियर है ना। तो क्रम से इतना इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो जैसे कहने का अर्थ आप 3 साल की बात कर रहे हो, अच्छा पहले पहले वर्ष का कितना है, जो पहला वर्ष है उसका कितना आपको दिया है, तो उसका आपको कितना दे रखा है 1200। पहले वर्ष का मिश्र धन कितना है 1200 है, और तीसरे वर्ष का कितना है 1587। जो तीसरा वर्ष है, 3 वर्ष नहीं समझ लीजिएगा, थर्ड ईयर जो है वो 1587 है, ठीक है ना। तो अब आपको रेट पूछा है कि इसका रेट क्या होगा, यानी आर आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप देखो 3 वर्ष में आपने पढ़ा होगा x³ x² 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 x x1, यही पढ़ा है ना, सॉरी x1 यही पढ़ा है आपने। तो देखो जो पहला वर्ष है, पहले वर्ष का जो मिश्र धन है वो 1200 है, यही है, मतलब किसको मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर मूलधन और ब्याज मिलाओगे तभी तो मिश्र धन होगा। तो पहले साल का जो मिश्र धन है वो 1200 है, उसके बाद जो तीसरा वर्ष है ना, ये वाला तीसरा वर्ष का मिश्र धन, मतलब इसको भी मिला लो, बात समझ में आ रहा है ना। तो इन सब का मिलाकर ये 1587 है, ये बात समझ पा रहे हैं। देखिए फॉर्मूले से लगाने चलेंगे बहुत लंबा चलेगा, आप कॉन्सेप्ट से लगाइए, कॉन्सेप्ट आप सीखें ये, इससे लगाइए। पहले का यही बताता है आपको, हमने बता रखा है, तीसरे का ये है। तो अब अगर इसमें से इसको घटाओ, बात समझ में आ रहा है, इसमें से इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा क्या, कि मिलेगा 387, 12 में से 1587 घटाओगे, इसमें से 1200 घटाओगे तो 387 है, मतलब घटाओगे तो ये और ये घट गए ना भैया, ये घट गए तो बचा कौन, 2x+1 यही तो बचा। देखिए है इस तीसरे में ये भी आया, 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 घटाना कितना है x²x³, तो ये भी निकल गया और x ये भी निकल गया, तो बचा का यही तो एक्स्ट्रा माल बचेगा, बात समझ में आ गया। ये जो रकम आप देख रहे हैं x+1 यही तो बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखो, तीसरे वर्ष का क्या होगा, x³ होगा, फिर x² होगा, फिर x होगा, फिर x, फिर 1, ये सब आपस में जोड़ोगे। पहले वर्ष में क्या जोड़ोगे, बस x³ और x² घटाएंगे तो ये हटेगा, तो यही बचेगा ना भैया कि 2x+1 यही तो बचेगा। अब बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो अब देख लो कि 2x+1 का मतलब यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, 387, क्या दे रखा है 387। तो एक तो पहले हटा दो, तो एक हटाओगे तो 2x का मतलब हो जाएगा 386, तो x का मतलब हो जाएगा 193, बात समझ में आ गया। यानी कि आप जान गए हैं कि ये सब 193 हैं, बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो आप दिमाग लगाओ, जो ये 1 रुपया पाते हो लास्ट में वो इसी पे तो ब्याज पाते हो, अगर कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो इसी पर 1 रुपया पा रहे हो, तो मतलब ये वैल्यू दे दिया 193, बात समझ में आ रहा है। तो अब देख लो, अब इधर हम थोड़ा देख लेते हैं कि 193 पाए हो, कि 193 पे कितना ब्याज मिला है 1 रुपया, तो अभी 1 रुपया 193 का कितना परसेंट है, तो 100
का गुणा कर दो, मतलब अगर भाग देते हो 0.51% आ जाएगा, मतलब आपका जो रेट होगा वो 0.51% होगा, लगभग इतना आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। बात क्लियर हो गया ना? तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है आपका, करें 1000 की धनराशि है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए आपका जो मूलधन है वो कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 1000। बात समझ में आ रहा है? जो समय है आपका कितना है, 2 वर्ष, और उसके बाद इसका जो रेट है वो कितना है आपका, 5%। अब कह रहा है कि भाई, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर CI और SI का अंतर हमको बताना है। तो आप देखो, रेट जब आपका 5% है तो आप उसे 1/20 लिख सकते हैं, 5% को आप 1/20 लिख सकते हैं। आप देखिए क्या करेंगे कि भाई, मूलधन आपका 20 आ गया तो मिश्र धन कितना होगा, 21 रुपये होगा। लेकिन बात हमें इसका अंतर बताना है, तो हम जो x² आपको बताए थे ना, एक्स 2 वर्ष के लिए x² x x1 ये वाला फॉलो करना, उसी को यहाँ लिखेंगे। तो मूलधन 20 है और 2 वर्ष की बात है, तो आपका जो मूलधन होगा इसका वर्ग यानी कि 400 हो जाएगा, और ये फिर 20 और ये 20 फिर 1। बोलो समझ में आ गया, इससे कंपेयर करो, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे आप कि देख लीजिए कि जो CIO चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है वो यही होता है। आपको हमने पिछली वीडियो में सिखा रखा है, बता रखा है कि पहली लाइन को छोड़कर बाकी जो भी मिलता है वही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। बात समझ में आ गया होगा? अब देख लीजिए क्या हो रहा है कि लेकिन ये 1 रुपया अंतर कब है, जब मूलधन 400 रुपया है। लेकिन बात यहाँ किसकी हो रही है, 1000 की, मूलधन 1000। तो देखो, मूलधन जब 1000 होगा, मूलधन जब 1000 होगा तो इसका ये कई गुना है, तो आप इसे करोगे भाग, और 4 × 2 = 8 होता है, 4 × 5 = 20 होता है, अब कह दोगे 2.5 गुना है, तो इसका भी आप 2.5 गुना करो तो 2.5 रुपया आ जाएगा, मीन्स 2.5 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, बढ़िया समझ में आया होगा। चले आगे देख लेते हैं। दोस्तों, आपका ये जो अगला सवाल है, ये कह रहा है कि 5000 पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। आपको क्या दिया है कि प्रिंसिपल दे दिया आपका 1000, मतलब मूलधन आपका कितना है, 1000 है। अब इसके बाद आपका जो टाइम है वो 2 वर्ष दिया है, ठीक है ना, और जो CI और SI का अंतर है वो है 32 रुपया। आपसे पूछा है कि इसका रेट क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये बात समझ में आ रहा है? तो आप देखिए, इस सवाल को अगर फार्मूले से लगाना चले और या बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना, एक समानना ये वो करना। लेकिन हमने 2 साल यहाँ एक चाबी दे दिया है हमारे लिए, ये 2 वर्ष की चाबी दे दिया है, तो हम जानते हैं 2 वर्ष का जो मेथड होता है वो आप जानते हैं, x² x x1 यही होता है जी, x x1 होता है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो लाइन होती है इसमें, इस पूरे मेथड में ये जो लाइन होती है यानी पहली लाइन को छोड़कर, यही तो होती है CI और SI का अंतर। बात समझ पा रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यही लाइन होती है। तो यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1 है, लेकिन वहाँ कितना दिया है, 32, मतलब इसका कै गुना दिया है, तो आप कहोगे जी 32 गुना दिया है। कितना दिया है, 32 गुना। तो इसका मतलब जो ये मूलधन होता है, ये बात आप समझ रहे हैं, ये मूलधन होता है, तो ये मूलधन भी 32 गुना होगा,
तो 32 गुना करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 5000। बोलो बात समझ में आ रही है कि इस मूलधन का 32 गुना करेंगे तो मूलधन हमको क्या मिलना चाहिए, 5000, क्योंकि सॉरी सवाल में मूलधन 5000 दिया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अब देख लो, तो आप अगर इसको कंपेयर करो तो एक्स मतलब कि 32 एक्स स्क्वायर बराबर 5000। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट हम 32 इसमें भाग कर लेते, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर वही आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर अगर आप लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5000 बटे में 32। अगर इसे काटे तो ऊपर कितना जाएगा, 4 से काट लो तो 8 से काटो, 8 चौको 32 और ऊपर आएगा 625, मतलब ये आ गया 625/4। मीन्स अगर x बताना है तो वर्गमूल निकाल लो, तो 25/2 आपका x की वैल्यू आपने निकाल लिया है। बात समझ में आ गया, ये x की वैल्यू आप फाइंड कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना है रेट, तो बताओ ये 25/2 है तो इसी पर तो 1 रुपया पाए हो। बात समझ में आ रहा है, 1 रुपया रेट बताना है, तो अब ये देख लो 1 रुपया कितना पे पाए, 25/2, तो 2 ऊपर चला गया। बात समझ में आया, और परसेंट में बदलना हो तो आप क्या करते हो, 100 का गुणा करते हो, तो 25 चौको 100 हो गया, 4 दूनी की 8, 8% आपका रेट हो गया। बोलो समझ में आया, क्लियर है ना। देखिए थोड़ा सा लंबा आपको लग रहा होगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं तो मुझे लगाना होता तो मैं सीधे क्या करता, ये देख रहा हूँ इसका 32 गुना है, मैं इसके जो मतलब कि मूलधन दिया था उसमें 32 से भाग करता, और 32 से भाग करने पर जो आता उसका वर्गमूल निकाल कर उसको बस हम परसेंट में कन्वर्ट करते थे। बात समझ में आ गया दोस्तों। जो अब जो सवाल है आपका, वो कह रहा है कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 10% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर 300 रुपया है। तो सेम है, राशि अब ज्ञात करनी है, तो सेम सवाल जो पिछला सवाल आप पढ़े हैं वहाँ दर ज्ञात करना था, अब हमको राशि ज्ञात करनी है। 10% दे रखा है, मींस समय भी दे रखा है, यानी रेट दे दिया है 10%, ठीक है ना, टाइम दे दिया है 2 वर्ष, और CI और SI का अंतर दे दिया है 300, यही है ना। CI और SI का जो अंतर है आपका वो कितना दिया है, 300 दिया है, ठीक है ना। तो अब देख लो, जब 10% मालूम है तो आप 10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना, 1/10। तो 1/10 से मामला 2 साल का है, तो ये आप 100, 10, 10 और 1 कर सकते हैं ना भाई। अगर ये पूरा नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया बढ़िया से। अब देख लो क्या करोगे आप कि यहाँ पर CI और SI का अंतर कितना दिख रहा है, 1, लेकिन वो कह रहा है नहीं भैया ये तो 300 है, तो आप देख लो इसका कई गुना आपको दिख रहा है, तो कहोगे 300 गुना। तो मूलधन बताना है तो इस मूलधन का भी 300 गुना कर दो, तो 300 गुना करोगे तो 3 पे 4 0 आ जाएंगे, मीन्स ये आपका मूलधन है। बोलो समझ में आ गया आपका, अब तो क्लियर है ना। ये मूलधन होता है, बाकी ये ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मिश्र धन होता है, ये सब बता चुके हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। फिलहाल ये समझ में आया, अगला सवाल देखें हम लोग, ठीक है ना। सवाल हम लोग देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों इस सवाल में आपको क्या दिया है कि जो 2 वर्ष है उसमें SI कितना है, तो SI कहोगे 160, CI कितना है तो कहोगे 164 है। बात समझ में आ गया। तो अब देखो कि 2 वर्ष की जब भी बात होती है तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, वो क्या कि हमने 2 वर्ष के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर बताया है कि जब भी 2 वर्ष की बात आएगी तो आप ऐसे बना लीजिएगा। जब आपको कुछ भी मालूम ना रहे तो हम कंपेयर करेंगे, सोचेंगे, फिर उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब सोचने की बात क्या है कि देखिए, कहने का अर्थ क्या हुआ कि SI तो 2 वर्ष का 160 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा जी, तो आप कहोगे पक्का 80 होगा। तो अब ये चीज़ देख रहे हो ना, ये पहली लाइन SI तो बताती है, तो पूरा मिला के 160 है, तो ये 80 हुआ कि नहीं हुआ,
ये बात समझ पाए आप, ये क्लियर हो, बात समझ में आया कि ये पहली लाइन साधारण ब्याज बताती है और साधारण ब्याज दो वर्ष का 160 है तो एक वर्ष का 80-80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम जो है इस चीज को अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसको मिटा कर 80-80 कर देता हूँ, ठीक है ना, ये दो बात समझ में आ गई। तो देखो इसी का वर्ग ये होता है तो 8 का वर्ग 64, बोलो पूरा समझ में आ गया, हो गया। अच्छा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन रियल में कितना है, 4, क्योंकि यहाँ देखो इससे इससे अंतर करो तो 4 का अंतर है कि नहीं है, तो इसका मतलब इसका ये 4 गुना है। तो अब ये भी जो साधारण ब्याज होगा ये भी 4 गुना रहा होगा, तो मतलब ये 800 को 32 रहा होगा, 320 रुपया रहा होगा, ये बात समझ में आ गया। तो आप 320 पे ही तो 4 रुपया ये पाए होंगे आप। देखो अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 रुपया पाए हैं कितने पे, 80 पे, यही तो नियम होता है। आप देखेंगे तो ये जो ब्याज इसी पे तो मिलता है क्योंकि 80 रुपया इस पे पाए हैं, तो ब्याज का ब्याज भी लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये 80 रुपया किस पे पाए, ब्याज इस पे, मूलधन पे पाए हैं, और ये 1 रुपया किस पे पाए होंगे, जो ब्याज रहा होगा अगले साल का उस पे पाए होंगे, पहले साल का जो ब्याज था उस पे पाए, बात समझ में आया। तो इस पर जो भी परसेंट लगा होगा उसका ये 1 है। तो अब 1 को सीधे सीधे देख लो कि 1/80 का कितना परसेंट है, ये तो आप निकाल सकते हैं ना, और कई सवाल हम देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो आप ये निकालेंगे काटेंगे तो ये 1.25 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब 80 रुपया चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हो और 1 रुपया ही मिला हो तब रेट आपका 1.25 होगा, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है कि अंतर 4 रुपये का है, ये 60 है तो 64 है, मतलब 4 रुपये का अंतर है, तो इसका मतलब 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना होगा, तो इसका 4 गुना अगर करते हो तो 5% आ जाएगा, बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, और इससे भी अच्छे अच्छे सवाल आपको अगली वीडियो में लेकर हम लोग मिलेंगे, और इससे अगर आपको लाभ हुआ हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, यदि अच्छा ना लगा हो तो लाइक मत करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।